हेलो फ्रेंड्स, एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके साथ फिर हैं। प्रॉब्लम है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सीआई अमाउंट टू रुपीज दिस 16,500 इन वन ईयर एंड टू द रुपीज 19,965 इन थ्री। फाइंड रेट, परसेंटेज एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। आपको गिवन है, दिस इज एंड ऑफ द वन ईयर। एंड ऑफ द वन ईयर का मतलब होता है आपके पास एक साल के बाद। इसका मतलब कोई ओरिजिनल सम है, इस मीन्स ओरिजिनल सम आपको नहीं पता है तो उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर ये क्या है, ये है वन ईयर का अमाउंट। तो आफ्टर वन ईयर, अमाउंट इज इक्वल टू 16,500 एंड टू रुपीज दिस इन थ्री ईयर। मतलब कि तीन साल के बाद अमाउंट ये, तो इसका मतलब थ्री ईयर ए इज इक्वल टू 19,965। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस, हाउ कुड यू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सिंपल, आप को पता है कि ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मींस यहां पर आने के लिए अगर हम ये मान लें कि यहीं से इंटरेस्ट स्टार्ट किया गया है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टू ईयर, बिकॉज ये अमाउंट इन थ्री ईयर में है और ये अमाउंट वन ईयर में है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आने में टू ईयर लगे हैं और वहां से आपका इंटरेस्ट। तो हम इसी से लेते हैं प्रॉब्लम्स को और ये सॉल्व। P इज इक्वल टू 16,500। ओके, A इज इक्वल टू 19,965 बिकॉज ऑफ वन ईयर, बिकॉज ऑफ थ्री ईयर, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा टू ईयर। ओके, नाउ रेट आप फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ वी यूज सिंपल, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड पावर एन। ए मींस दिस एंड ऑफ द थर्ड ईयर, बिकॉज हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर द इंटरेस्ट के लिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहां पर ए आ जाएगा आपको 19,965 इज इक्वल टू 16,500 1 प्लस आर। आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, टाइम इज इक्वल टू 2। 19,965 डिवाइडेड बाय 16,500, 11 वन जा और 11 फाइव जा 00, 11 वन जा 8 जा 11 वन जा आगे 11 एट जा 11 वन जा और 11 फाइव जा। नाउ 15 वन जा एंड 15 वन जा 0, सॉरी 11 टू जा और 11 वन जा इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड पावर 2। नाउ दिस इज एंड दिस इज 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड दिस स्क्वायर गोज फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स। नाउ 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10। नाउ दिस वन इज कॉपी हियर, वन प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 इज आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 माइनस 1। नाउ आर इज इक्वल टू आर अपॉन 100, दिस वन एज एलसीएम 11 माइनस 10 और आर इज इक्वल टू 1 बाय 10 इंटू 100। ये 00 कैंसिल, आर इज इक्वल टू हो गया 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल गया 10%। नाउ ओरिजिनल सम,
ओरिजिनल सम के लिए हमारे पास दोनों तरीके हैं, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, बट हम सिंपली यहां से लेंगे बिकॉज ये क्या है, अमाउंट एट द एंड ऑफ वन ईयर। तो यहां से हम लेते हैं ए इज इक्वल टू 16500, आर इज इक्वल टू 10%, टी इज इक्वल टू 1 एंड पी हमें नहीं पता। तो ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 बिकॉज ये अमाउंट है आपका 1 ईयर का। अभी यहां ऐसे ले लेते हैं, चलिए तो 16500 पी 1 + 10/100 / 1 इससे ये कैंसिल हो गया। इसको अब यहां कॉपी करते हैं, 16500 इज इक्वल टू पी और 1 + 1/10 मीन्स 16500 पी और 11/10 16500 इंटू 10/11 इज इक्वल टू पी और 11 × 11 = 0 तो P इज इक्वल टू 15000 रुपीज। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 15000। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई होगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए प्रॉब्लम के साथ।